हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। किन के लिए होने वाली है? देखिए, जितने भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। कैसे होने वाली है तो इसके लिए हमें वीडियो में आगे देखना पड़ेगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम 2023 में कॉपी लिखते समय ये गलतियाँ भूल कर भी ना करें, वरना देखिए दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम में कुछ गलतियाँ हैं, अगर आप कॉपी लिखने जाओगे तो देखिए कुछ गलतियाँ हैं, अगर आप उन्हें सुधार लोगे तो आपके देखिए 90% मार्क्स पक्का आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इन गलतियों को नहीं दोहराना है। अगर आप इन गलतियों को दोहराओगे तो वरना आपको पता ही होगा जब भी कोई गलती करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से भलीभांति पता होगी। खैर छोड़िए इन बातों को, इन बातों में हमें क्या रखा है। ठीक है, हम अपने टू दी पॉइंट पर आते हैं। देखिए हमें क्या करना है, देखिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी जब आप लिखने जाओगे, ठीक है दोस्तों, तो आपको देखिए कुछ गलतियां हैं, उन्हें आपको नहीं दोहराना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों भी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं दोहराना है। अगर आपको उन गलतियों के बारे में जानना है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कॉपी लिखते समय बोर्ड एग्जाम में क्या गलतियां हैं, उनको आपको नहीं दोहराना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए अब अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो पॉइंट नंबर वन है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर वन है, ठीक है दोस्तों, कॉपी में रोल नंबर सही से भरें। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको बोर्ड कॉपी दी जाएगी तो आपको सही से रोल नंबर तो अपना सही से फिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपको अपना ना एडमिट कार्ड सामने रख लेना है। ठीक है, और उसमें से एक एक अंक आराम से भरें, कोई भी जल्दबाजी से रोल नंबर ना भरें। अगर आपने जल्दबाजी में एक भी अंक गलत भर दिया तो आपकी फिर कॉपी चेंज हो जाएगी, फिर वो आपकी कॉपी नहीं रहेगी, फिर वो किसी दूसरे की कॉपी हो जाएगी और फिर आप फेल हो जाओगे। फिर आप बाद में कहोगे कि यार मैंने तो सारे एग्जाम दिए, सभी कॉपी को अच्छे से लिखा, फिर भी मैं फेल हो गया। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कॉपी में रोल नंबर भरो तो आपको रोल नंबर एक एक अंक सही से भरना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको रोल नंबर को अंकों में और शब्दों में लिखा जाता है, तो आपको क्या करना है, रोल नंबर सही से भरना है, रोल नंबर में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गलती पूरी साल की मेहनत आपकी खराब हो जाएगी दोस्तों। तो आपको क्या करना है, रोल नंबर को एकदम सही से फिल करना है। ठीक है दोस्तों, और देखिए और दूसरा पॉइंट क्या है, पेपर कोड भी सही से भरें। देखिए दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट रोल नंबर होता है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट पेपर कोड होता है। तो आपको क्या करना है, पेपर कोड भी अच्छे से कॉपी में अच्छे से भरना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पेपर कोड भी देख लेना है और पेपर कोड को एक एक अक्षर कॉपी में अच्छे से भर देना है। तो आपको इन दोनों पॉइंट को ना अच्छी तरह से फिल कर देना है, एक तो रोल नंबर, ठीक है दोस्तों, और एक पेपर कोड, इन दोनों को कॉपी में अच्छी तरह से लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपको इन दोनों गलतियों को भूल कर भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, रोल नंबर सही से होना चाहिए और पेपर कोड भी सही से होना चाहिए। अब चलिए अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर टू है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पॉइंट नंबर टू में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए कॉपी के दो तीन पेज में काट पीट तो बिल्कुल भी ना करें। देखिए दोस्तों, जो कॉपी के दो तीन पेज होते हैं उनमें आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब भी आप काट पीट कर दोगे, एक तो आपकी कॉपी खराब लगेगी और दूसरी बात आपकी कॉपी बिल्कुल भद्दी लगेगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको देखिए कॉपी को दो तीन पेज में अच्छे से लिखना है, आपकी एक तो राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात आप काट पीट तो कॉपी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी काट पीट बिल्कुल कॉपी में नहीं होगी तो आपकी कॉपी एकदम अच्छे से दिखेगी, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपकी कॉपी एकदम अच्छे से लिखी रहेगी तो देखिए खुश होकर आपको एग्जामिनर ना फुल मार्क्स देगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, अगर आपकी कॉपी में काट पीट होगी तो फिर एग्जामिनर पूरे मार्क्स नहीं देगा, फिर आपके आधे में से आधे ही मार्क्स देगा। तो आपको क्या करना है, कॉपी के दो तीन पेज हैं उनमें आपको काट पीट तो बिल्कुल भी नहीं करनी दोस्तों। तो देखिए, और देखिए, और गलती से काट पीट हो जाए तो क्या करें, तो देखिए इसका एक सॉल्यूशन है। अगर देखिए आपको कॉपी लिखते समय अगर गलती से कोई काट पीट हो गई, जैसे कि कोई शब्द गलत लिख गया, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आराम से एक लाइन खींच देनी इस तरह। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप पूरी कॉपी को घिसते चले जाएं, ऐसा करने से तो कॉपी की दूसरी तरफ भी कॉपी खराब हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई शब्द गलत लिख जाता है तो आपको एक लाइन इस तरह से लिख देनी है, और इस तरह से अगर आप काटोगे तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसका फोकस इस तरह से नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर आपने कट किया है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इस तरह से अगर पूरा घिस दोगे तो दूर से ही मालूम पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर एक गलती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसा नहीं करना है, अगर कुछ गलती भी हो जाता है तो आपको इस तरह से कट कर देना है। ठीक है दोस्तों, और देखिए उससे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, अगर आपको काट पीट कम से कम करनी है तो देखिए आपको क्या करना है, जिस प्रश्न का उत्तर सही सही पता हो पहले उसी का उत्तर लिखें।
ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको क्या करना है, जब भी आप पेपर को सॉल्व करने बैठो तो देखिए आपको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, और देखिए जिन जिन प्रश्न का आपको सही से बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो कि आपको आंसर पता हो, सबसे पहले आपको उसी का आंसर लिखना है, जिससे कि आपकी काट पीट तो बिल्कुल भी कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। जब आपको पूरा प्रश्न अच्छे से याद होगा तो उसी का जब आंसर लिखोगे तो आपकी काट पीट तो बिल्कुल होगी नहीं, कहाँ से होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसी प्रश्न का आंसर लिखे जिस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से पता हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, कॉपी के 2-3 पेज में काट पीट तो बिल्कुल भी नहीं करनी, अगर काट पीट हो जाए तो इस तरह से आपको काट देना है, ठीक है। और उस प्रश्न का आंसर पहले लिखना है जिस प्रश्न का आंसर आपको पता हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता रखना है, ये गलती आपको बिल्कुल भी दोहरानी नहीं है दोस्तों। तो चलिए आप अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 है। देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कॉपी के प्रत्येक पेज के नीचे रोल नंबर जरूर बने। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो देखिए दोस्तों जब आप अपना पूरा पेपर कर लेते हो तो आपको क्या करना है, कॉपी के प्रत्येक पेज में आप अपना रोल नंबर जरूर भर दें, क्योंकि देखिए एग्जाम में कॉपी चेंज हो जाती हैं, अगर आपकी कॉपी चेंज हो गई तो आप फेल भी हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए इतना आपका पेज होता है, ठीक है, जैसे कि इतना मैं आपको पेज बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों, कॉपी का इतना पेज रहा है, ठीक है। और आपने यहाँ पर अपना पूरी कॉपी भर ली है, पूरी कॉपी भरने के बाद आप क्या करोगे, नीचे यहाँ पर आप रोल नंबर अपना भर दोगे, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर अपना रोल नंबर भर दोगे। इस तरह से आपको क्या करना है, प्रत्येक पेज में अपना रोल नंबर भर देना, अगर आप यहाँ पर अपना रोल नंबर भर देते हो तो आपकी कॉपी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, अगर आप अपना रोल नंबर भर देते हो तो आपकी कॉपी बिल्कुल ही सेफ रहेगी दोस्तों। तो आपको दोस्तों क्या करना है, कॉपी के प्रत्येक पेज में अपना रोल नंबर तो जरूर से जरूर भरना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कई कॉलेज में कॉपी चेंज भी हो जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इनको फॉलो करते हो और आप इन गलतियों से बचते हो तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों, और आपके 90% मार्क्स लाने से भी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ये पेपर को अच्छे से लिखना है और जो जो मैंने बताया है उसको फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सर, थैंक यू।